अर्जुन मुंडा ने न्यूज 11 भारत से बातचीत के दौरान कहा कि मिशन फॉर ऑयल बॉन्ड देश में खाद्य तेलों को पूरा करने के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम है जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की चर्चा की और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। संसद के सत्र संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची लौट आए हैं। हम इनसे जानेंगे सरकार के काम काज। सर, एक मिशन फॉर ऑयल पाम आज केंद्रीय कैबिनेट में आया, क्या इससे जरूरतें पूरी होंगी? देखिए, इसके बारे में आज मंत्रिपरिषद ने चर्चा किया है और उसके बारे में हमारे मंत्री सूचना एवं प्रसारण ने सारी जानकारी दे दी है। ये एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इस समय देश में जो पाम ऑयल की खपत है वो बहुत अधिक है और उसका आयात यानी लगभग 80,000 करोड़ का आयात विदेशों से हो रहा है। एक तरफ इसके माध्यम से पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ा करके आयात को घटाना लक्ष्य है और दूसरे तरफ अपने जो सरसों का तेल का उत्पादन साथ ही साथ बढ़ाना भी है। तो यह एक मिशन मोड प्रोग्राम किसानों के माध्यम से कैसे सफल हो, इस दृष्टि से मंत्रिपरिषद ने चर्चा किया है और मैं समझता हूँ कि मिशन मोड में जब इन सारे चीज़ों का उत्पादन के साथ किसानों को जुड़ने का मौका मिलेगा तो इसका लाभ कुल मिलाकर देश के किसानों को और सामान्य वर्ग को मिलेगा। आप जब दिल्ली में थे, हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ, आप भी बहुत इमोशनली अटैच रहे, कैसा रहा प्रदर्शन? देखिए, इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से हर एक खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो विजेता रहे, उपविजेता रहे या मेडल नहीं ला सके, ऐसे सभी खिलाड़ियों के साथ जो कॉन्टिजेंट में थे, यानी 128 खिलाड़ी हमारे इस बार टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे, उन लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुआ और जो खेल में मेडल नहीं ला सके वो भी आज प्रोत्साहित और आगे देश के लिए खेलना है ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम खेलेंगे, ये भाव उसमें बहुत अधिक प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद खिलाड़ियों में देखा जा रहा है। जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भाग लेकर के जहां 8 गोल्ड मेडल उन लोगों को मिला और 2 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल, तो 15 मेडल, यानी आज़ादी के लंबे कालखंड में अगर तीरंदाजी को देखें तो 26 मेडल मिला था। अफगानिस्तान जो संकट उत्पन्न हुआ है, कितना एप्रिहेंशन है भारत के लिए, कुछ सिरदर्द है या खतरा भी है? देखिए, इन सारे विषयों पर मैं समझता हूँ कि इस समय बात करना उचित नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम किसी तरह का कमेंट्स नहीं देंगे। क्षेत्र में भारत और इनके खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अभी इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ों को अर्जुन मुंडा जी ने कहा और केंद्रीय कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है वो भविष्य में इसका लाभ दिखेगा। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।